वहाँ पे खड़े रहो ना। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, मत करो। एक वाला है वो बस क्या समझ रहा है, जो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक यज्ञ हो रहा है जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, और यहाँ पे यज्ञ होने वाला है जो हमारे भविष्य की दिशा तय करने वाला है। इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। भाई हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि एक नया संगठन क्यों, हमारे समाज में इतने सारे संगठन मौजूद होने के बावजूद भी एक नए संगठन की क्या आवश्यकता है। विश्वा जी ने कहा है कि ये संगठन किस चीज के लिए है। मैं उसके और जोड़ना चाहता हूँ कि ये संगठन अपने भाइयों के लिए बना है। और जब हम प्रश्न करते हैं, भाई साहब तेरा और मेरा क्या नाता है, जब हमारे भाई साहब को प्रश्न करते हैं कि तेरी मेरी क्या सगाई, तो हम शान से बोलेंगे इस सन में, हम दोनों है भाई भाई, हम दोनों है भाई भाई। मित्रों जब तक संगठन नहीं होता, जब हम अलग अलग होते हैं, तो रास्ते से कोई भी कुत्ता हमें काट सकता है, कोई भी गिदड़ हमको धमकी दे सकता है। लेकिन हम जब संगठन से चलेंगे, जब हम साथ चलेंगे, जब हम यहाँ पे जितने बैठे लोग हैं इकट्ठा होंगे, तब ये सब कुत्ते और गिदड़ आपसे भाग जाएंगे, कोई आपका पार पाना नहीं कर सकता। दोस्तों अंगूर की कहानी सुनाता हूँ आपको। आपको मालूम है ठेले पे अंगूर बेचते हैं, तब अंगूर जब झूठे होते हैं तब उसका भाव यानी उसका रेट कम होता है। जब आप पूछते हो कि भाई साहब वो तो अंगूर है खाने में मीठे है, फिर भी उसका दाम कम क्यों है, और जो जुड़े हुए है जो एक कुछ है उसका रेट क्यों ज्यादा है, तब वो ठेले वाला बोलेगा भाई साहब वो तो बिखरे हुए है इसके लिए उसका दाम कम है, ये तो कुछ है इसके लिए उसका दाम ज्यादा है। तो हमें आज तय करना है कि हमें संगठित होना है, और हमें दिखाना है कि भाई साहब आज इस पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो हमारी जबरदस्त ताकत है, आज इस पूरे क्षेत्र में हमारा एक वजूद है, फिर भी हमारे वजूद को बहुत बार नकारा जाता है, बहुत बार हमें बोला जाता है कि भाई साहब तुम उत्तर भारत से हो, लेकिन उसको प्रश्न कर रहा आप क्यों भाई, आपके घर में वही राम कृष्ण है जो यूपी में जो राम कृष्ण जन्म है उसी परमात्मा पूजा करते हैं। आज से हमारे महाराष्ट्र में हमारी तालिका बोलती है जाके गंगा माता गंगा जल नाम प्रयागराज से वही पंचायत आज रात्रि में संतान होता है। ऐसा मैं बात क्यों है, क्योंकि हमारा और आपका लगाव एक है, ये देश एक है, देश की तोड़ने वालों को अगर सबक सिखाना है तो ऐसे संगठन की एक जरूर है, इसके लिए उत्तर भारतीय संघ है। दोस्तों वास्तुशास्त्र का भी हिसाब है, जब मेरा ऑफिस का टाइम आया कि भाई ऑफिस कैसे खोले जी, तो बोला गया कि उत्तर की दिशा में हमारा फेस होना चाहिए, मुंह होना चाहिए। तो उत्तर की जो शक्ति है आज हमारे महाराष्ट्र में बसी है, उत्तर की जो ताकत है जो हमारे महाराष्ट्र में जिला में बसी है, वो ताकत है आर्थिक ताकत है, सामाजिक ताकत है, और सांस्कृतिक धरोहर है जिसे हमें आगे लेना चाहिए। भाई साहब राम नवमी जी का उत्सव होता है तो हमारे उत्तर भारतीय जी जान से शरीक होता है, क्योंकि राम हमारे कण कण में बसा है, वही राम जो उत्तर महाराष्ट्र में पश्चिम महाराष्ट्र में कोकर में पूजा जाता है, हम भी राम नवमी करते हैं, वही राम अयोध्या से है, इसके लिए आप आधार के प्राप्त हो। दोस्तों हमारा और आपका एक नाता बनता है, उस नाते के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आपका और मेरा कुछ तो संबंध बनता है, जो संबंध आज से नहीं है, रामायण महाभारत काल से है, उसके लिए मैं आया हूँ। एक कुछ राजनेता अपने इस संबंध को जो भी खराब करने की कोशिश करते हो उसको सबक देगा तो ये उत्तर भारतीय संघ देगा। नहीं चलेगी उनकी लाल, अभी दिल्ली में जाके सब अभी नमस्कार नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि भाई साहब हमको हम भूले नहीं वो भाव जो आपने हमें दिया था, हम आपको अभी सबक सिखाएंगे, हर भाव का बदला लेंगे, चाहे दिल्ली जाओ या सोनिया के पास जाओ। इसके लिए हम एक भारत वर्ष का अंग है, यूपी हो महाराष्ट्र हो बिहार हो उत्तराखंड हो
तमिलनाडु हम पूरे भारतवासी हैं। जगह जगह पे हम इस भारतीय संविधान को मानने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, अंत तक और शुरू तक सिर्फ भारतीय हूं। ये सब जाति प्रथा, ये प्रांतवाद हमने गाड़ दिया था जब हमने भारतीय संविधान का स्वीकार किया था। कोई भी आदमी कहां भी जा सकता है, कहां पे भी रह सकता है, कहां पे भी कमा सकता है और जो चाहे वो भारत देश के लिए अपना योगदान दे सकता है। उसके लिए किसी मुझे हमको फंसे की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम अपनी रोजी रोटी खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। अरे हमारी जर मेहनत की तुलना किसी से कर नहीं सकते। इसीलिए उत्तर भारत के सर हमने बनाया है कि आज हम मूर्ति की तरह रहेंगे। बिखरे हुए थे, आज हमारी मूर्ति बन गई है। अरे मूर्ति के लिए हम इकट्ठा आए हैं। बहुत ही अच्छा सुझाव हमारे मिश्रा जी ने कहा है। विजय मिश्रा जी इस आयोजित परिसर में बहुत एक्टिव रहते हैं। झंडार साहब है, रात दिन आपके लिए मेहनत के लिए दौड़ रहे हैं, हर बात के लिए तोड़ते हैं। ऐसे नेता आपके सामने है, इसके लिए इस संदर्भ में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यह तो आगाज है, ये तो शुरुआत है। अभी तो माफी है मुक्ति पर जमी, आगे आसना बाकी है। आप सभी को साथ लेके चलेंगे और उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। भारत माता की जय।